अस्सलाम वालेकुम। टर्की में टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ कह लें या आप उनको प्रोविंसेस कह लें, 81 है। और उन 81 में से 30 जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, रिमेनिंग 51 स्मॉल सिटीज़ हैं। अगर आप रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो 30 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनमें मिनिमम जो प्रॉपर्टी की लिमिट है वो $75,000 है, और जो रिमेनिंग 51 है उनमें $50,000 में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उसके ऊपर रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली येलोवा की वीडियो बनाई थी और उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप यहाँ $50,000 की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप यू कैन इजली गेट योर रेजिडेंस परमिट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस तरह और बहुत सारे सिटीज हैं टर्की के, रिमेनिंग 51, टोटल 51 सिटीज हैं जिनमें आप $50,000 की प्रॉपर्टी लेकर आराम से अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आपको मैप नजर आ रहा होगा टर्की का, ये जितने भी कलर कोडेड सिटीज हैं ये तमाम तर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। लाइक जैसे इस्तांबुल आपको नजर आ रहा है, यहाँ अंकारा नजर आ रहा है, इजमीर नजर आ रहा है, और यहाँ कोनिया नजर आ रहा है, अंताल्या नजर आ रहा है, अदाना नजर आ रहा है, केसरी नजर आ रहा है, ये बड़े तरबजोन हो गया, ये बहुत फेमस है। और ये बाकी जितने भी और कलर कोडेड हैं ये सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। रिमेनिंग जो आपको वाइट एरिया नजर आ रहा है ये सारा वाइट एरिया ये वो सिटीज हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है। इन सिटीज के अंदर ये जो वाइट एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, इन सिटीज के अंदर आप $50,000 की प्रॉपर्टी आज भी परचेज करके अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट और लोकेशन के हिसाब से सिलीगुड़ी एक बहुत ही आइडियल प्लेस है। यहाँ पे ये सिलीगुड़ी है, वैसे तो फॉरनर जहाँ चाहे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिटीज ऐसे हैं जहाँ पर फॉरनर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन हैं। लाइक जैसे चनकले, चनकले में ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बट यहाँ पर फॉरनर्स प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। मोस्टली जो लोकेशन बॉर्डर्स के करीब है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि कोई भी फॉरनर वहाँ प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। अब इसी तरह जैसे मैंने येलोवा के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, इसी तरह चनकले ये भी बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अगर आप इसको मैप में देखें तो चनकले बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, जो भी मेडिटेरियन सी से अगर ना सी की तरफ जो भी शिप और क्रूज जाते हैं वो इसी रास्ते से होते हुए गुजरते हुए जाते हैं। चनकले छोटे छोटे आइलैंड से घिरा हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन लोकेशन है। बहुत खूबसूरत व्यूज हैं, यहाँ से शिप गुजरते हुए नजर आते हैं, क्रूज गुजरते हुए नजर आते हैं। बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस भी काफी रीजनेबल हैं, बट समहाउ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर फॉरनर्स के, बिल्कुल बॉर्डर के करीब, आप नहीं, बिल्कुल बॉर्डर के करीब फॉरनर्स प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। तो ये हमारा मैप है जिसमें तमाम तर मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी नजर आ रहे हैं। रिमेनिंग 51 सिटीज जो हैं, जो वाइट आपको नजर आ रही हैं, ये वो सारे सिटीज हैं जिनमें $50,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी सर्च करना है तो प्रॉपर्टी सर्च करने का मेथड वही है, साहिबिंदिन पे जाके प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोनिया में प्रॉपर्टी सर्च करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कोनिया को सिलेक्ट किया, और कोनिया को सिलेक्ट किया तो आपके पास तमाम तर प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी, जो भी आपके आपने यहाँ फिल्टर्स में सेटिंग कर रखी होगी अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ प्रॉपर्टीज लिस्ट हो जाएंगी, आप उनमें देख लें, उनमें सर्च कर लें। इसके अलावा अगर आपको मालूम करना हो कि कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके, मैं इन तमाम तर वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इन तमाम तर पोर्टल से फैसिलिटेट हो सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा था कि कोनिया के अंदर अगर आपने ये चेक करना है कि कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है तो आप यहाँ जाएं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ तमाम तर सिटीज की पॉपुलेशन, उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट की तमाम तर पॉपुलेशन आपको यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगी। ऑलमोस्ट कोनिया जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत और सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी
एक बहुत जबरदस्त और बेहतरीन सिटी है और मोर टूवर्ड्स रिलीजियस है। यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लोग नजर नहीं आते और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब यहाँ बना दिए गए हैं, इंडस्ट्रियल जोन बना दिए गए हैं, एजुकेशनल जोन बना दिए गए हैं, कई किलोमीटर तक फैले हुए यहाँ कोनियम यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ बहुत पढ़ने के लिए आते हैं, इंडस्ट्रियल जोन यहाँ बहुत सारे हैं, तो एक बहुत अच्छी लोकेशन है कोनिया। और इसी तरह आप फिर यहाँ तमाम तर सिटीज़ की इंफॉर्मेशन लेके आप साहिबिंदिन पे प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में परचेज करनी है बाय इन्वेस्टमेंट $75,000, या फिर आप $50,000 की कोई प्रॉपर्टी कहीं पे परचेज करना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसी तरह सर्च करके इन पोर्टल्स को यूज़ करके आप अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आई'ल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।